नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे खांसी के इलाज के लिए कुछ घरेलू उपायों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं खांसी होने के कारणों के बारे में। खांसी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, फ्लू, धूम्रपान या अन्य रोग जैसे अस्थमा, टीबी या फेफड़ों का कैंसर। दोस्तों, सूखी खांसी जहां गले के दर्द का कारण बनती है, तो वहीं कफ वाली खांसी सांस की परेशानियों का कारण बन सकती है। दोस्तों, हम आमतौर पर खांसी को ठीक करने के लिए कफ सिरप का सेवन करते हैं। यह इसका असरदार इलाज हो सकता है, लेकिन यह हेल्थ के लिए सही नहीं है। इसके लिए आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं। सूखी खांसी को दूर करने के लिए दिन में 3 बार 1 चम्मच शहद लेने से आराम मिलता है, या आधा कप पानी उबाले और उसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच पीसी काली मिर्च मिक्स करें। चाहे तो आप इसमें दालचीनी भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से उबालने के बाद आप इसे धीरे धीरे पिए, इससे खांसी में आराम मिलेगा। या फिर 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर सुबह शाम गरारे करने से भी काफी आराम मिलता है। इसके अलावा काली मिर्च को पीसकर घी में भूनकर खाने से गले को आराम मिलता है। तुलसी, काली मिर्च और अदरक की चाय खांसी में सबसे अच्छी मानी जाती है। या फिर तुलसी के पत्तों को पीसकर रस निकाल ले, फिर उसमें अदरक और शहद मिलाकर खाएं। इसके अलावा अदरक को पानी में अच्छी तरह से उबाल ले, फिर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3 बार पिए, या 2 चम्मच नींबू के रस में 1 चम्मच शहद मिक्स करें। इसे दिन में कई बार लें, इससे गले की खराश दूर होगी। 1 कप में 2 या 3 लहसुन की कलियों को उबालें। जब पानी हल्का ठंडा हो जाए तब इसमें शहद मिलाकर पिए। इसके अलावा 1/2 चम्मच प्याज के रस में 1 छोटा चम्मच शहद मिक्स करें और इसे दिन में 2 बार लें। खांसी से बचने के लिए कुछ सावधानियों का हमेशा ध्यान रखें। फ्रिज में रखी ठंडी चीजों को ना खाएं, धुएं और धूल से बचें, और कभी भी खांसी के इलाज के लिए किसी अनुभवी चिकित्सक से ही संपर्क करें।